படிச்சுட்டு நல்ல இங்கு ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம் தான் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தி ஹிந்தினாங்கள உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டித்தரான், சாலையை பெருக்கலாம், சுக்கு செல்வரான், இதாங்க ஹிந்தி படிக்கிறான். वीडियो तो आपने पूरा सुन ही लिया, पर शायद ही समझ आया हो वो क्या है ना, भाषा प्रॉब्लम है। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ये भाई साहब इंडी गठबंधन, हाँ हाँ वही विपक्षी गठबंधन के नेता और द्रविड़ प्रगति संघ या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके से लोकसभा सांसद दयानिधि मारन है। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरा नाम दयानिधि मुरासोली मारन है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन मजदूर या सड़कों पर शौचालय की सफाई का काम करते हैं। दयानिधि मारन यूपी बिहार के लोगों के साथ साथ हिंदी भाषा की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो भाषा जिसमें भारत का एक तिहाई हिस्सा बात करने में आत्मीय सहजता का अनुभव करता है। 21वीं सदी के अत्याधुनिक युग में दयानिधि मारन की ये बातें हिंदी भाषी लोगों के प्रति उनकी तुच्छ मानसिकता, घृणा और ईर्ष्या को साफ जाहिर कर रही है। एक माननीय शख्स की जुबान निकली इस तरह की बातें समाज में उसकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने का काम करती है। वीडियो वायरल होने के बाद से दयानिधि मारन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी से लेकर खुद विपक्षी नेताओं ने उनके इस विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। अब फिर से एक बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल की है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। हाल ही में उनके दूसरे सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र राज्य कहा था, उस समय पर भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इसमें विश्वास रखती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे, प्रियंका वाड्रा ने मजाक उड़ाया था चन्नी जी ने जब भैया बोला था तब, उसके बाद जिस प्रकार से डीएमके के लगातार नेताओं के इस प्रकार के बयान आए हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ, और इस पूरे प्रकरण पर इंडी अलायंस के लोग लगातार चुप रहे, शांत रहे। आज सवाल बनता है कि पहले सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे, उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया, अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडी अलायंस कर रहा है। और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया, उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडी अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, यही इनके गठबंधन का विषय है। और इसीलिए आज ये लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे डीएमके के खिलाफ। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि कोई विपक्ष का नेता दयानिधि मारन के विवादित बयान पर कुछ बोलेगा, क्या तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे? शायद यही सुनकर तेजस्वी यादव ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप भी। तो आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है, इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्य में, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दयानिधि मारन जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की समाज में बड़ी इज्जत है। बता दें कि दयानिधि मारन डीएमके के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन के बेटे और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के पोते हैं। वो सन ग्रुप के संस्थापक, अध्यक्ष और भारतीय अरबपति कलानिधि मारन के छोटे भाई हैं। मारन को मीडिया, टेलीविजन, केबल प्रौद्योगिकी, राजनीतिक
अर्थव्यवस्था और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वो विभिन्न देशों में कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसा शख्स अगर इस तरह का बयान देता है तो सोचने और समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हालांकि इस पूरे मसले पर इंडी गठबंधन के जिम्मेदारों से सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। क्या इंडी गठबंधन के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने अपने गठबंधन में ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जो भाषा विरोधी है, संस्कृति विरोधी है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।